Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a very important and very used to topic in present educational system, that is blended and flipped learning, its concept, significance and implications in classroom. Okay, so let's start. Blended and flipped learning. देखिए अगर आप हम सभी ने कोविड का टाइम देखा है और कोविड के बाद से हम लोग जानते हैं कि हम सभी ऑनलाइन दुनिया के यूज टू हो गए हैं और ब्लेंडेड लर्निंग का कंसेप्ट ब्लेंडेड ये शब्द बहुत बार सुनते हैं, फ्लिप लर्निंग भी सुनते हैं, बट कई बार हम इसके सही अर्थ नहीं जानते हैं, है ना। तो जानते हैं कि क्या है ब्लेंडेड एंड फ्लिप लर्निंग, क्यों ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्यों? क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है वो टेक्नोसेवी है, वो डिजिटल नेटिव है, उसके लिए इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम, ये सब आजकल की शिक्षा के मानदंड हैं, नए मानदंड, है ना। तो एट द हार्ट ऑफ बोथ ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप लर्निंग इज अ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम दैट चेंजेस द ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स। यानी कि अगर ब्लेंडेड लर्निंग की बात करें, फ्लिप लर्निंग की बात करें, तो इनके कोर में, इनके एकदम बेस में, इनका जो एकदम क्रक्स है वो क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम से इनकी उत्पत्ति होती है कि हमको विद्यार्थी केंद्रित कार्यक्रम करना है शिक्षा में। और ये जो हमारे पारंपरिक रोल हैं टीचर का भी, इंस्ट्रक्टर का भी और विद्यार्थी का भी, दोनों को ही बदलता है, दोनों को ही बदल दिया है। ब्लेंडेड लर्निंग इन्वॉल्व्स यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शंस एंड ऑनलाइन इंटरेक्शंस इन द सेम कोर्स। देखिए, चूंकि ब्लेंडेड लर्निंग का देखिए कंसेप्ट आया कैसे है कि हम ऑनलाइन दुनिया में थे तो हमने बहुत सारी चीज़ें, हमको उसमें बहुत प्लस पॉइंट्स दिखे, आपका समय बच रहा है, आपका आपका आने जाने का समय बच रहा है, खर्चा बच रहा है कहीं आने जाने का, हाँ। आप जैसे मान लीजिए आपको एक घंटे का लेक्चर अटेंड करने कहीं जाना है तो पहले आप तैयार होते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, फिर लेक्चर अटेंड करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, एक घंटे के लेक्चर के लिए 4 घंटा बर्बाद करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आप 5 मिनट पहले आप लॉग इन कीजिए, साइन इन कीजिए, उस प्लेटफॉर्म पर जाइए और सुनिए और सारा समय आपका है। प्लस अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप अपने पेस से सुनिए, चाहे जब सुनिए। तो इसमें बहुत सारे हमको फायदे दिखे, लेकिन हमने ये भी देखा कि कोविड के बाद कितनी दिक्कतें हुई, जो खासतौर से साइंस के कोर्सेज थे, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज थे जिसमें प्रैक्टिकल ज़रूरी है, इसके अलावा आर्ट्स के कोर्सेज में भी जहाँ ह्यूमन टच ज़रूरी है, जहाँ इमोशंस ज़रूरी है, जहाँ पीयर ग्रुप की प्रेजेंस ज़रूरी है, वहाँ पर ये लैक करता है। तो ये माना गया, ये सोचा गया कि कोई ऐसा हम मोड चुने जिसमें हम दोनों विधाओं के प्लस पॉइंट्स को इंक्लूड कर लें, यानी कि हम ऑनलाइन भी पढ़ाएं और फेस टू फेस भी पढ़ाएं। तो ऑनलाइन के भी पॉजिटिव पॉइंट्स ले लीजिए, फेस टू फेस के भी ले लीजिए, तो ये बेस्ट मेथड बन जाना चाहिए, है ना। इसीलिए ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंड का मतलब दो विधाओं को जोड़ा गया है, ब्लेंड किया गया। क्या क्या जोड़ा गया? फेस टू फेस इंटरेक्शंस भी होंगे और ऑनलाइन इंटरेक्शन भी होगा एक ही कोर्स में। द गोल of blended learning is to facilitate greater student learning and could thus fit within a learner centered paradigm. तो blended learning का लक्ष्य क्या है कि हम जो student learning है उसको facilitate कर सकें, बढ़ा सकें उसको, और इस तरह से ये एक विद्यार्थी केंद्रित paradigm में fit बैठता है। Basically, the flipped and blended classroom presents a method of sharing educational content with learners through electronic means at their homes. देखिए, दोनों ही जो flipped learning है वो भी blended learning का ही एक type है, बस उसमें तरीका दूसरा होता है उसमें भी। तो दोनों ही विधाओं में कॉमन क्या है, कॉमनलिटी क्या है कि हम जो है जो एजुकेशनल कंटेंट है वो लर्नर को भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मींस से भेजेंगे। इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूटरिंग दैट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ई लर्निंग विद द ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ लर्निंग। यानी कि ये किस तरीके की पढ़ाई है, किस तरीके का शिक्षण है जिसमें आपको ई लर्निंग को ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग से जोड़ना है। It means a mixture of face-to-face and online activities and the integration of synchronous and asynchronous learning tools. देखिए, आप लोगों ने से ये भी बात की गई है, synchronous यानी कि साथ साथ, और asynchronous यानी अलग अलग समय पे। synchronous टूल्स भी हो सकते हैं कि जब मैं ऑनलाइन हूँ तब आप भी ऑनलाइन है, asynchronous है यहाँ पे आप मेरे से डायरेक्ट रियल टाइम एक सवाल जवाब कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज के आंसर जान सकते हैं। लेकिन इसके संग दिक्कत क्या है कि जब मैं ऑनलाइन आऊंगी तो आपको भी आना होगा। बट एसिंक्रोनस में क्या है, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं अपनी सुविधा के हिसाब से अपलोड करूंगी, आप अपनी सुविधा के हिसाब से देखिए, लेकिन वहां आप रियल टाइम में मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो दोनों ही विधाओं में अपनी अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। दस प्रोवाइडिंग एन ऑप्टिमल पॉसिबिलिटी फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेसेस। यानी कि हम एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस मोड को जोड़ के बेस्ट पॉसिबल लर्निंग प्रोसेस बनाना चाहते हैं, यही लक्ष्य ब्लेंडेड लर्निंग का है।
तो ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि द आर्ट ऑफ कंबाइनिंग डिजिटल लर्निंग टूल्स विद ट्रेडिशनल क्लासरूम फेस टू फेस टीचिंग गेव बर्थ टू द टर्म ब्लेंडेड लर्निंग। हमने डिजिटल लर्निंग टूल को ट्रेडिशनल क्लासरूम फेस टू फेस से जोड़ा है और हमने ब्लेंडेड लर्निंग का टर्म दिया। इट इज नॉट ए मियर मिक्सचर ऑफ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस मोड। आप इसको इस तरह से मत समझिए कि आपको कोई आपसे कहा गया कि आपको कोई ब्लेंडेड क्लास ब्लेंडेड लर्निंग का कोर्स डिजाइन करना है तो आप क्या करिए कुछ लेक्चर ऑनलाइन कर दीजिए कुछ फेस टू फेस करके उनको मिक्स कर दीजिए। इट इज नॉट ब्लेंडेड लर्निंग। इट रिफर्स टू अ वेल प्लान्ड कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल एक्टिविटीज इन बोथ द मोड्स। आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी के लिए आपको ऑनलाइन मोड चुनना, कौन सी एक्टिविटी फेस टू फेस मोड में होगी, किसमें आप मैक्सिमम आउटपुट निकल सकता है स्टूडेंट्स के संग, ये सब करके लर्निंग एक्टिविटीज लर्निंग आउटकम्स स्टूडेंट कंसर्न सब देखते हुए मीनिंगफुल एंड प्लान्ड वेल प्लान्ड कॉम्बिनेशन का ये मिक्सचर होता है। द ब्लेंड डिमांड्स कंसिडरेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे आपको लर्निंग आउटकम देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि किस तरह से आप एक लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। तो जो ब्लेंडेड लर्निंग का एनवायरनमेंट होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जैसे इंक्रीज्ड स्टूडेंट इंगेजमेंट इन लर्निंग, यानी कि जो विद्यार्थी है वो इसमें ज्यादा इंगेज होगा। इनहेंस टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन, यहाँ देखिए हम फेस टू फेस भी मिल रहे हैं, हम ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, आपका पीयर ग्रुप है ऑनलाइन में, बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स आपके संग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हम आपका आपको चेक कर सकते हैं, आपको फीडबैक दे सकते हैं इजिली, उतना फेस टू फेस मोड में संभव नहीं है। ओके, सो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा कि मूडल वगैरह पे जो कोर्स होते हैं उसमें आप कितनी देर आपने कौन से लिंक को टच किया है, आपने डाउनलोड किया है कि नहीं किया है, आपने उसमें कितना समय दिया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब कि आपका कच्चा चिट्ठा एक साथ निकल आएगा कि आपने इसमें कोई भी समय नहीं दिया है, तो आप खुद मोटिवेट होंगे ताकि आपके ग्रेड्स अच्छे आए एंड सो ऑन। फिर टाइम मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप टाइम मैनेज कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपना पढ़ लिख सकते हैं, इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, और इस तरह से चूंकि दोनों विधाओं का इसमें प्लस पॉइंट हमने कंसिडर किया है इसलिए निश्चित रूप से स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम में सुधार होता है। एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की इतनी बात इसलिए होती है कि सिर्फ रट के बिना समझे बिना रिफ्लेक्ट किए किसी चीज किसी कंसेप्ट को जानने का कोई औचित्य नहीं है। इसका मतलब कि आप जो सीखें समझें उस पर रिफ्लेक्शन करें, उस पर आपकी कोई थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, तो इस तरीके की एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए भी ब्लेंडेड लर्निंग अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। अब फ्लिप लर्निंग क्या है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लिप क्लास इज अ लर्निंग एनवायरनमेंट। फ्लिप क्लास पे देखिए, फ्लिप लर्निंग पे मेरे दो वीडियो पहले भी हैं। फ्लिप क्लास का मतलब है कि इस तरीके का लर्निंग एनवायरनमेंट जिसमें क्या होता है, इन विच द एक्टिविटीज ट्रेडिशनली कंप्लीटेड आउटसाइड ऑफ द क्लास एज होमवर्क आर नाउ कंप्लीटेड इन क्लास ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टाइम। पहले क्या होता था कि हमने कुछ आपको पढ़ाया, हमने कुछ आपको समझाया, फिर हमने कुछ आपको होमवर्क करने के लिए दे दिया। तो जनरली जो पढ़ा रहा है आदमी, जो समझा रहा है, वो क्या है, लोअर थिंकिंग स्किल्स के बातें हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स इट। और जो हम आपको सवाल देते थे वो क्या होते थे, जनरली हायर थिंकिंग ऑर्डर के सवाल, कंसेप्ट्स होते थे, काम होते थे, असाइनमेंट होते थे। तो अब कहा जा रहा है कि जो काम आप क्लास के बाहर करते थे यानी कि होमवर्क, वो आप क्लास में करिए, और जो काम आप क्लास में करते थे वो क्लास के बाहर करिए। मतलब जो काम आप क्लास में करते थे, क्या काम क्लास में करते थे कि आप कुछ ना कुछ कंसेप्ट जानते थे, वो आपको हम प्रायर टू क्लास सेंड कर देंगे किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन से, आप उसे पढ़ कर आइए, और जो क्लास का टाइम है वो आप हायर लर्निंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके, डिस्कशन करके, पीयर ग्रुप से बातचीत करके, टीचर से अपनी क्वेरी सॉल्व करके करिए। तो इस तरह से समय भी बचेगा, और अगर हम ZPD का कंसेप्ट देखें, वाइगोट्स्की का, तो पीयर और लर्नर के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, टीचर के संग, हम अपने मैक्सिमम ऑप्टिमल डेवलपमेंट तक पहुंच सकते हैं। एंड द एक्टिविटीज ट्रेडिशनली कंप्लीटेड इन क्लास आर नाउ कंप्लीटेड ऑन स्टूडेंट्स ओन टाइम बिफोर क्लास, है ना, इन द फ्लिप्ड, इसीलिए फ्लिप्ड कह रहे हैं, हमने पलट दिया है, उलट दिया है, जो पहले अंदर था वो बाहर है, जो बाहर था वो अंदर है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स नीड टू लेट गो ऑफ देयर रिलायंस ऑन द लेक्चर एंड फोकस ऑन अदर वेज टू एनहेंस लर्निंग बाई इंट्रोड्यूसिंग active learning strategies that put students at the center of the learning experiences. यहाँ पे पहले क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे डिपेंड कर रहे हैं कि हम जाएंगे और हम कुछ लेक्चर देंगे और हमारा काम खत्म। यहाँ चूंकि बच्चे के पास मैटर पहले से है तो हमको दूसरी एक्टिविटीज सोचनी होंगी कि चूंकि स्टूडेंट है जो वो कंसेप्ट पढ़ के समझ के आ रहा है, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, तो हम क्लास में उसे किस तरीके की एक्टिविटीज कराएंगे, क्या ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज कराएंगे, कौन सी कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व करेंगे।
तो इस तरह से जो स्टूडेंट है उसको सेंटर में करके हमको एक्टिविटीज डिजाइन करनी होगी। बर्गमैन एंड सैम्स कहते हैं कि अल्टीमेटली फ्लिपिंग अ क्लासरूम इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग द एनर्जी अवे फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर एंड टुवर्ड द स्टूडेंट्स एंड देन लीवरेजिंग एजुकेशनल टूल्स टू एनहांस द लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी कि यहाँ पे सारी एनर्जी इंस्ट्रक्टर से शिफ्ट होकर स्टूडेंट के पास आ रही है और हम एजुकेशनल टूल्स को इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि हम लर्निंग आउटकम को भी और लर्निंग एनवायरनमेंट को भी बढ़ा सकें। अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के टर्म में बात करें तो अभी जैसे बात हुई आपसे कि लेक्चर सेंटर्ड क्लास से फ्लिप क्लास में जाने पे फ्रेमवर्क बदल जाता है। कैसे? इंस्ट्रक्टर्स फोकस ऑन हायर लर्निंग आउटकम्स ड्यूरिंग क्लास टाइम। यहाँ पे हम हायर लर्निंग आउटकम्स की क्लास टाइम में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लास टाइम में हम डिस्कशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन में एंगेज्ड हैं और लोअर लेवल आउटकम्स हमारे आउटसाइड ऑफ क्लास हो रहे हैं, जहां पे आप अकेले अपने पेस से, अपने आप, अपने कंटेंट से परिचित हो रहे हैं। If students work with the fundamental material before class, they are better prepared to apply the information and engage in higher level discussion with their peers and the instructor. It is quite clear now. और क्या है फ्लिप लर्निंग? इट इज आर्ग्यूड टू बी पेडागॉजिकल अप्रोच इन विच द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मूव्स फ्रॉम द ग्रुप लर्निंग स्पेस टू द इंडिविजुअल लर्निंग स्पेस। जो काम हम पहले ग्रुप में कर रहे थे वो इंडिविजुअली कर रहे हैं, जो इंडिविजुअली कर रहे थे वो ग्रुप में कर रहे हैं एंड द रिजल्टिंग ग्रुप स्पेस इज ट्रांसफॉर्म्ड। और जो अब हमारा क्लासरूम है वो किस में बदल जा रहा है? एक डायनेमिक इंटरैक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट में वेयर द एजुकेटर गाइड स्टूडेंट्स एज दे अप्लाई कॉन्सेप्ट्स एंड एंगेज क्रिएटिवली इन द सब्जेक्ट मैटर। यानी कि अब स्टूडेंट जो है वो एक्टिव है क्लास क्लासरूम में। जब हम लेक्चर देते हैं तो स्टूडेंट क्लासरूम में पैसिव होता है। और अगर फ्लिप लर्निंग का एक्रोनिम भी बनाया है लोगों ने, फ्लिप का, कैसे? कि एफ फॉर फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट। आप अपने हिसाब से पढ़िए, आपका एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल है, लर्निंग कल्चर का शिफ्ट हो रहा है, इंटेंशनल कंटेंट, हम जानबूझकर आपको कंटेंट दे रहे हैं जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं क्लास से पहले, और इसमें प्रोफेशनल एजुकेटर्स की भूमिका है। तो इट इज एक्रोनिम ऑफ फ्लिप। देन फ्लिप क्लासरूम आप देखिए, ये दी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन है ना, ये अपने फैकल्टी इनोवेशन सेंटर में ये डायग्राम दे रहे हैं फ्लिप क्लासरूम का। कि यहाँ देखिए बिफोर द क्लास क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स प्रिपेयर टू पार्टिसिपेट इन क्लास एक्टिविटीज। इसको लेक्चर पहले मिल गया और ये पहले से घर से पढ़कर आ रहा है। ड्यूरिंग द क्लास क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस अप्लाइंग की कंसेप्ट्स विद फीडबैक। यहाँ आपस में डिस्कशन हो रहा है कि मैंने ये समझा, तुमने ये समझा, हम सब ने ये समझा, तो टीचर से बात हो रही कि सर क्या हमने ठीक समझा, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है। और आफ्टर द क्लास क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स चेक देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सटेंड देयर लर्निंग एंड एक्चुअली लाइफ लॉन्ग लर्निंग के कंसेप्ट को ये फुलफिल करता है। ओके तो दी अप्रोच इज, अगर हम फ्लिप क्लासरूम की बात करें तो दी अप्रोच इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ब्लेंडेड टीचिंग दैट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ इंस्ट्रक्टर्स इन 2007। यानी कि बहुत रीसेंट कंसेप्ट है, अभी 2006-07 का कंसेप्ट है ये। इट इज अ स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग अप्रोच दैट कंप्राइजेस टू पोर्शन। इसमें दो पोर्शन होते हैं, पहला इंटरैक्टिव लर्निंग ड्यूरिंग क्लासेस एंड पर्सनल स्टडीज ऑन कंप्यूटर या मोबाइल फोन। यानी कि पर्सनल स्टडी आप कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर करके आएंगे और आप क्लासरूम में अपने इंस्ट्रक्टर और पीयर ग्रुप के साथ डिस्कशन करेंगे। नोटेबल, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर लर्नर्स व्यूज द थ्योरेटिकल सेगमेंट ऑफ द सब्जेक्ट थ्रू वेरियस टूल्स। अब ये कैसे हो सकता है, आपको ऑनलाइन वीडियो भेजा जा सकता है, आपको प्रेजेंटेशन भेजा जा सकते हैं, आपको कोई लिंक दिया जा सकता है, बाई एनी मोड। ओके और तब बात करते हैं फ्लिप व्यू। अगर हम फ्लिप क्लासरूम पेडागॉजी की बात करें तो क्या होगा कि इट इज एन इनोवेटिव पेडागॉजिकल अप्रोच बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट पे कैसे निर्भर है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट कर रहा है हर विद्यार्थी अपना अपनी लर्निंग के स्पेस को। इट इज बेस्ड ऑन द ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ लर्निंग विद एन एम्फेसिस ऑन द 21st सेंचुरी स्किल्स सच एज क्रिएटिंग, इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन द क्लासरूम वेयर इन द इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर टेक्स प्लेस इन ए फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरमेंट एंड कल्चर। During the past few years, the flipped classroom has gained popularity and has emerged as one of the best teaching practices. The flipped classroom concept includes effective techniques like online quizzes, polls, infographics, mind maps, or word clouds. है ना? So I think it is clear now. और क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यकता है, या क्या इम्प्लीकेशन है इसका क्लासरूम का? तो इसका क्लासरूम इम्प्लीकेशन यही है कि पहली बात, ये आज के टेक्नो सेवी बच्चों की डिमांड है। वो पूरी तरह से फेस टू फेस मोड पे डेवलप नहीं होना चाहते हैं, वो फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, उनको चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए, अपने इंटरेस्ट, अपने टाइम, अपने पेस के हिसाब से। तो ये उन सारी करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है। और हम अगर एनईपी की बात करें तो एनईपी भी कहता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम करिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखिए, स्टूडेंट को ऑटोनॉमी दीजिए। तो एनईपी क्लियरली स्टेट्स दैट इट इज टाइम टू टेक ऑन ए पॉलिसी दैट इज अनडाउटेडली स्टूडेंट सेंट्रिक और व्हाट कैन बी सेफली पुट डाउन इज एजुकेशन 4.0।
In this new line of thinking, the new policy gives the acceptability of many modes of learning, that of face-to-face learning, online learning, distance learning, virtual mode of learning. It also promotes use of vocational courses, multidisciplinary courses and multimodal approaches, thereby focusing on blended teaching learning. यानी कि ये NEP के भी aligned है. UGC ने भी कह दिया है कि आप blended mode of learning को ही fulfill कीजिए, आप टोटली फेस टू फेस मोड पे मत जाइए. ए ब्लेंडेड लर्निंग मोड प्रिस्क्राइब्स अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी, दो देयर आर मेनी टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल, रिसोर्सेज इंडिकेट दैट ब्लेंडेड लर्निंग मोड इज द बेस्ट ऑफ ऑल मॉडल्स. ओके, तो ब्लेंडेड लर्निंग आपको मिलाना है किसको, फेस टू फेस को ट्रेडिशनल मोड से. कैसे मिलाना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, लर्निंग एक्टिविटीज को, इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए. और फ्लिप्ड लर्निंग जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग का ही एक टाइप है. इसमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का भी ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इसमें खास क्या फ्लिप कर रहे हैं, आपकी पहले जो क्लासरूम में होता था वो क्लासरूम के बाहर, जो क्लासरूम के बाहर होता था वो क्लासरूम में. और इस तरह से हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से भी हायर लर्निंग एक्टिविटीज में स्टूडेंट को क्लास में इंगेज करके रख के उसको एक्टिव लर्नर बना सकते हैं. ओके, सो अगर फ्लिप लर्निंग को और जानना है तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए मेरा. ओके, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.